नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पति ने की संदेह पर पत्नी की हत्या। चंद्रपुर जिले में 15 नए पॉजिटिव, एक संक्रमित की मौत। कुत्तों के हमले में चीतल की मौत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। पति ने की संदेह पर पत्नी की हत्या। घटना चिमूर की है, जहां एक पति ने संदेह के चलते पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 1.5 वर्ष पूर्व गोंदिया जिले की एक विधवा महिला की तहसील के मासल निवासी एक व्यक्ति से सोशल मीडिया से संबंध जुड़े। परिवार का विरोध होने के बावजूद मासल के विवाद मुक्ति समिति की सहायता से उन्होंने प्रेम विवाह किया। दोनों की 8 महीने की पुत्री है, मगर पति शकीला होने से उसके चरित्र पर संदेह करता था। इस बात को लेकर मंगलवार की रात पति पत्नी के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इससे गुस्साए पति ने एक लकड़ी उठाकर पत्नी पर कई प्रहार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक का नाम विशाखा दीक्षित पाटिल और गिरफ्तार आरोपी पति दीक्षित हरिदास पाटिल है। मृतक विशाखा आरोपी दीक्षित पाटिल की तीसरी पत्नी है। इसके पूर्व आरोपी ने विहिरगांव और नागपुर की युवती से प्रेम विवाह किया था, मगर आरोपी शकीला होने की वजह से विवाह अधिक दिनों तक नहीं टिक सका। इसमें से एक से तलाक हो गया और पिछले 1.5 वर्षों से मृतक विशाखा के साथ रह रहा था, लेकिन शकीला स्वभाव होने की वजह से बीच बीच में दोनों के बीच झगड़ा होते रहता था। पति की प्रताड़ना से त्रस्त होकर विशाखा 1 महीने की पुत्री को छोड़कर अपने मायके गोंदिया चली गई थी। 7 महीने तक ससुराल नहीं आई। इस संबंध में पत्नी ने पति के खिलाफ प्रताड़ना की शिकायत की थी। आरोपी ने पत्नी विशाखा के गुमशुदी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुनः विशाखा और दीक्षित के साथ मोबाइल फोन से प्रेम कहानी शुरू हो गई और 7 महीने के बाद बिना माता पिता को पूछे विशाखा अपने ससुराल मासल आ गई। इसे महज 8 दिन हुए थे। जीवन रूपी गाड़ी उनकी पटरी पर आ रही थी कि मंगलवार की रात 11 बजे दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ और उसका अंत पत्नी की हत्या से हुआ। सोशल मीडिया से शुरू हुआ प्रेम संबंध विवाह तक पहुंचा और उसका अरुण अंत इस प्रकार हुआ है। फरियादी प्रिया पाटिल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी दीक्षित के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। तो वहीं दूसरी ओर चंद्रपुर जिले में 15 नए पॉजिटिव, एक संक्रमित की मौत। गत 24 घंटे में जिले में 24 लोगों ने कोरोना से मुक्ति पाई है, जबकि 15 नए मरीज मिले हैं और एक की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बाधित 15 मरीज चंद्रपुर महानगर पालिका क्षेत्र के 3, चंद्रपुर तहसील के 0, बल्लारपुर से 1, भद्रावती 0, ब्रह्मपुरी 0, नागबीड 0, सिंदेवाही 0, मूल 4, सावली 0, पोभुना 0, गोंडपिपरी 0, राजुरा 1, चिमूर 0, वरोरा 2, कोरपना 4, ज्योति 0 व अन्य स्थान 0 मरीजों का समावेश है। आज मृत हुए चंद्रपुर शहर के 1 पुरुष का समावेश है। जिले में अब तक कुल बाधितों की संख्या 84,679 पर पहुंच गई है। तो वही तीसरे और कुत्ते के हमले में चीतल की मौत। जिले के सिंदेवाही तहसील के लेंडारा तालाब के पास जंगल से गांव की ओर आए चीतल पर कुत्तों ने हमला कर दिया। हमले में गंभीर जख्मी हुए चीतल की मौत हो गई। सिंदेवाही नगर पंचायत अंतर्गत लेंडाला गांव तालाब है। तालाब का पानी खेती के लिए उपयोग में लाया जाता है। तालाब के पास सुबह के समय चीतल पानी पीने आया। चीतल को देखकर गांव के कुत्तों ने उस पर हमला किया। हमले में चीतल गंभीर जख्मी हुआ। गंभीर जख्मी चीतल की मौत हो गई। सुबह तालाब के पास घूमने गए लोगों को यह चित्र दिखाई देने पर उन्होंने चीतल को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक चीतल की मौत हो गई थी। इसकी जानकारी वन विभाग अधिकारी को देने पर वन परिक्षेत्र अधिकारी गोंड, वन संरक्षण स्वप्निल बडवाइक व वन कर्मचारियों ने घटना स्थल पहुंचकर घटना का पंचनामा किया। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।